Am I live now? जी Okay, man. Assalam alaikum ji, how are you? Yeah, this is my office. Normally तो मैं ऐसे नहीं करता, मुझे बताते रहना अगर मैं गलत करूँ, क्योंकि ये मेरा फोटे नहीं है. आप यकीन जानिए, मैं जिंदगी में ये तमाम चीज़ें कभी नहीं करता. दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम डूइंग इट. आप लोग को आवाज़ आ रही है, प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा. और आप लोग माइंड मत कीजिएगा, बिकॉज यू नो फ्री लाइव सेशन है, तो मुझे नहीं पता चल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा. दिस इज माई फर्स्ट लाइव. तुमको आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? सही है, चल रहा है नहीं चल रहा? ओके, सो वेर ओके. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ साहिर लोधी, एंड मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि मैं आप लोगों से, ये गलत जाए तो भी सही है, इट डजेंट मैटर. तो अगर मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंचे और म्यूट में कुछ इस तरह से मैं बोल रहा हूँ, समझ जाइएगा कुछ अच्छा ही बोल रहा हूँ आपके. एनीवेज, आई एम वेरी एक्साइटेड. ये इस वक्त आपके साहिर के फेसबुक पेज पे हम लोग लाइव जा रहे हैं, साथ साथ आपके साहिर के ट्विटर पे भी हम लोग लाइव है ना, ट्विटर पे लाइव है, साथ साथ टीवी वन ग्लोबल का जो फेसबुक पेज है उस पर भी लाइव है, मेरा जो फेसबुक पेज है उस पर भी हम लाइव हैं. तो बहुत बहुत सलाम अलैकुम, यू नो एवरीथिंग एल्स दैट यू वांट टू बिलीव इन. आज हम लोग मजीद कुछ मॉक्स कर रहे हैं, अभी तो काम शुरू हुआ है, 9:15 और अभी काम शुरू हुआ है. अभी हम लोग यहाँ रहेंगे 3-4 बजे तक, फिर उसके बाद कल पूरा दिन फिर काम है, फिर देन कल नाइट की पूरी मॉक है, और फिर उसके बाद मंडे मॉर्निंग ब्राइट एंड अर्ली 9:00 हम लोग लाइव होंगे 8 अगस्त की सुबह. टीवी वन पे शो है आपका साहिर. मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मैंने कभी भी अपने लिए कुछ भी नहीं करना चाहूँगा. उसका रीज़न ये है कि नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी करनी है जो शायद इससे पहले हमने नहीं. कमेंट आप जरूर पास कीजिएगा, अपनी राय बनाइएगा 2 वीक के बाद, और उसके बाद 6 महीने तक वेट कीजिएगा. 6 मंथ्स, दैट्स ऑल आई एम आस्किंग, 6 मंथ्स. ये मेरा 11वां साल है शो बिजनेस में, और इसी साल पिक्चर भी आने वाली है, और डेट उसकी मैं आपको बहुत जल्द अनाउंस कर दूंगा. बल्कि आमिर भाई, ये बड़ा अच्छा तरीका है, हम डेट ऐसी अनाउंस करेंगे इसी तरह से ना, डेट उसकी बहुत जल्द आने वाली है. ये बस याद रखिए कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आप वो पिक्चर देख लेंगे, मुझे बड़ी उम्मीद है उससे. लेकिन इस वक्त हम अपनी पिक्चर की बात नहीं कर रहे, इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ तो आप इसके बारे में फैसले लीजिएगा. पहला स्टेप ये होगा कि 2 वीक के बारे में आप ये सोचें कि हाँ, इस शो में ये 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 होता है. फिर उसके बाद 6 महीने तक, रिक्वेस्ट यू 6 महीने तक वेट कीजिएगा, और फिर मुझे बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या फील करते हैं. मैं और मेरे साथी और मेरा चैनल, मेरा इदारा, मेरा इंस्टीट्यूशन एक जंग लड़ने जा रहा है. आपको अंदाजा नहीं है कि मैं ये जुमला क्यों कह रहा हूं, लेकिन एक जंग हम लड़ रहे हैं. मुझे नहीं पता हम जीतेंगे या नहीं, कैसा समझा. मेरे लिए कामयाबी ये है कि जो बात हम डिलीवर करना चाहते थे, क्या वो बात डिलीवर हुई. अगर ऐसा हो जाता है तो सब अच्छा है, लेकिन इस शो में बहुत सारी कहानियां आपको देखने को मिलेंगी. यार मैं मजीद कुछ कहना नहीं चाहता, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरे अंदर का वो जो एक आम आदमी है ना, वो पता नहीं उछल उछल के बाहर आ जाता है, और वो बहुत सारी बातें हुआ. तो बस ये समझ लो कि तुम्हारा भाई का शो है और तुम उसे देख रहे हो. साथ रहोगे तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं रहोगे तो मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं. बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पे शोज होते हैं, वहाँ जाके देख लेना जो तुमको पसंद हो, और नहीं अगर मॉर्निंग शोज पसंद तो कुछ और देख लेना, जो मर्जी देखना चाहो. आई मीन एज लॉन्ग एज के वो कोई मॉर्निंग शो ऐसा हो जिसके अंदर मैं अपनी पीजे इसके अंदर मॉर्निंग शो कर सकूं. लिटरली मैं आऊं, मुंह धोऊं, ब्रश करूं और जस्ट बैठ जाऊं, एंड दैट्स इट. और हम रियल बातें करें. मेरे साथ रहिएगा यार, प्लीज मेरे साथ रहिएगा. मैं एक जंग पे जा रहा हूं, पूरी टीम के साथ जा रहा हूं, और इस बार बहुत मुख्तलिफ, हम बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमको राउट वही लेना पड़ेगा जो राउट आप सब या हम सब अभी देखने के आदि हो चुके हैं. स्लोली हम कुछ चीजें बदलेंगे, साथ रहिएगा यार, बस रिक्वेस्ट है आपसे. बाकी मैं तो आपको कुछ नहीं बोल सकता. कुछ यहाँ मेकअप से शदीद तरीन नफरत है, नहीं करता मैं मेकअप. बहुत सारे लोगों ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि तुम मेकअप थोप के बैठ जाते हो. लिटरली कभी बैक स्टेज वीडियो बना लीजिए, आई नेवर एवर 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 डू मेकअप. अच्छा, फिर मुझ पर बहुत सारे और इल्जाम भी लगते हैं तो वो लगने दें, लेकिन काश हम कोई रियल शो कर सकें, बिल्कुल एकदम नेकेड रियलिटी का शो जो होता है ना, बस वो कर सकें, बिल्कुल सच्चाई का एक ऐसा ट्रूथ जो हम सब बोलने से घबराते हैं. कोशिश हम करने जा रहे हैं, मैंने आपसे कहा ना कि हम एक जंग लड़ने जा रहे हैं. उसके बाद मैं भी रिटायर होना चाहता हूँ, मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरी जगह कोई और ले, और बहुत सारे और लोग आएँ जो ये काम कर सकें और मुझसे बेहतर अंदाज में कर सकें. उन बच्चों में बड़ा टैलेंट है, मेरी अपनी टीम के जो बच्चे हैं वो बहुत सारे यंग बच्चे हैं, देर ब्रिलियंट एट इट. तो उनके लिए कुछ सही चीज़ें छोड़ के जाएँ, ये जो हम इधर उधर हो गए ना, थोड़ा सा इसको सही कर लें. आई एम नॉट सेइंग कि मैं कदम ले रहा हूँ, एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ अपने इंस्टीट्यूशन के साथ, अपनी टीम के साथ. अगर अच्छा, एक और बात मैं करना चाहता हूँ बिफोर आई रीड दिस. आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं, एक मैं टिप आपको दे रहा हूँ. टिप क्या यार, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ. डोंट वरी, दिस शल पास टू. डोंट वरी, जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है
डोंट एवर 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 वरी अबाउट इट, सब अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा ये दिन भी अच्छा है, तुम्हारा आने वाला दिन भी अच्छा है, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं लेकिन वो चले जाते हैं, दुनिया इतनी ज्यादा स्ट्रेस की जगह है। इसमें एक बात याद रखना, I'm going to read this, Zara Khan writes to me, मुझे आपसे मिलना है, आप मिलेंगे, हमें इंतजार है 8 अगस्त का, अल्लाह आपको कामयाबी दे, आमीन, आप सबका ख्याल रखते हैं, अल्लाह यूं ही हंसता मुस्कुरा उसके बाद आई प्रॉमिस मैं ये पढ़ूंगा, वो हो जाता ना, मैं आई गेट ड्रॉन इन टू इट। हमारी हैसियत जो है ना वो 11,000 जो है ग्लोबल रीच है, तो दैट्स गुड, 11,000 हमारी ग्लोबल, क्या मतलब होता है इसका? अच्छा 11,000, वाओ 11,000, इट्स वेरी नाइस, गुड, मुझे तो ये भी नहीं पता 11,000 इस रीच का क्या मतलब होता, मुझे ये भी बताओ, ऑल शुक्रिया, वो बात इधर उधर रह गई। मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, हमारी हैसियत जो है वो जर्रे से भी कम है यार। मैं बहुत ज्यादा, चलो मैं बहुत ज्यादा गलतियां करूंगा, तुम्हारी तरह से माफ कर देना, ये समझ के माफ कर देना कि यार मैं तुम्हारा भाई हो सकता हूं, लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि कोई आइडिया आए तो फौरन हम तक पहुंचाओ, कुछ भी जो तुम देखना चाहते हो फौरन पहुंचाओ, हर सूरत में पहुंचाओ ताकि हम उसको इंप्लीमेंट कर सके। मैं कुछ रीड कर रहा हूं, फातिमा राजपूत गोज लव यू भाई, लव यू टू फातिमा, थैंक यू सो वेरी मच। अमीन मिनाज गोज वाओ माशाल्लाह ऑसम, मे अल्लाह ब्लेस यू सायर भाई विद हेल्थ हैप्पीनेस स्ट्रेंथ एंड सक्सेस, यू आर ऑलवेज ऑन द टॉप, बेस्ट विशेस एंड प्रेयर्स। हिट है जरा हटके, ओ सॉरी, आई एम सॉरी, जरा हटके, ओके। आमना इकबाल गोज थैंक यू, थैंक यू नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया आमना गोज, ये सब तो नहीं पढ़ने, सब पढ़ने, ओके ओके। आमना गोज वो फाइनली द किंग इज बैक, I like that. The king is back. Welcome back, hero. Wish you very best of luck. Have a blessed and successful journey. Again, hashtag Sahir Lodi. Hashtag कोई चीज़ है वैसे. Parvez Alam goes, I don't know. Everything is just hashtag. I mean, it's a pretty good show, decent show. कोई भी show होता है वैसे. अच्छा, हम लोग ना बेजा एक दूसरे पे तंकीद करते रहते हैं. Certain things, अच्छा, कुछ किसी ने मुझसे कहा कि उस पर आप comment क्यों नहीं करते? किसी ने आपके बारे में ये कहा, क्या comment करूँ मैं? What am I supposed to say? कि मैं ऐसा नहीं हूँ या मैं वो नहीं हूँ जो वो समझते हैं, क्या कमेंट करूँ? सो इसलिए जो मर्जी आप मेरे बारे में कुछ भी बोलना चाहते हैं आप बोलें, मैं तो आपको रोकने वाला नहीं। लेकिन प्लान है हमारा गेम शो का और वो आप बहुत जल्द देखेंगे। मुझे नहीं पता कि इट्स गोइंग टू बी लाइक इनाम घर और जीतो पाकिस्तान और यहाँ छोड़ दें तो उस पर भी हो सकती है, बिकॉज काउंसलिंग होती है हमेशा। हम तो किसी को, मैं तो किसी को भी कॉल कर लेता हूँ, तो प्लीज़ आप कॉल कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। साजल साहिल गोज, कोई कॉन्टेस्ट भी करेंगे क्या आप? हाँ, मैं जितना नए टैलेंट को प्रमोट करता हूँ और हर जगह प्रमोट करता हूँ, शायद मेरे ख्याल दूसरे लोग इस, ये बात मैं यकीन से कह सकता हूँ, शायद इतना नहीं करते होंगे। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं डिफरेंट हूँ या अच्छा हूँ, बस मुझे ऐसा लगता है कि जैसे नए लोगों को मौका, 11-8 अगस्त से कभी मिस नहीं करना और रेडियो शो कभी मिस नहीं करना। यू नो टीवी एंड रेडियो द बोथ आर माय लाइफ नाउ, This is what I do for a living. And by the way, make sure कि आप रास्ता जरूर देखें, रास्ता is releasing very very soon. So 107.4 dial है, Monday through Friday 8 to 10. अच्छा जी, आरिफा साजिद writes to me, God bless you and best wishes, thank you. And she writes to me, बेटा आरिफा जी बहुत सुपरस्टार का शो, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो मिल जाए, वो लोगों तक चला जाए। आयशा अहमद पीर को लाइव होगा शो या रिकॉर्डेड? Live, absolute live, no problem. Set भी नहीं लगा होगा तब भी live होगा, आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बरसात हो रही होगी तब भी live होगा। मैं अभी, हम लोग बात हो रहे थे, बड़े मजे की बात है, अभी आपसे पहले ना ये पूरा कमरा जो था, ये टीम जो थी वो यहाँ पर बैठी हुई थी, मेरी बाल कैसे भी है, ऑडियो सिस्टम फेल हो जाए, लाइट सिस्टम फेल हो जाए, मैं PCR का जो माइक है उससे पूरा शो कर दूंगा, बिकॉज हम ह्यूमन हैं, हम गलती कर सकते हैं, हमारी लाइट्स जा सकती हैं, वाई डू वी मेक